वैसे तो बिहार में शराबबंदी है, लेकिन लगातार राज्य में शराब तस्करी की खबरें सामने आती रहती हैं। सुपौल से एक मामला सामने आया है जहां जमीन की खुदाई के वक्त शराब बरामद हुई है। ये घटना त्रिवेणीगंज थाना इलाके की है। दरअसल त्रिवेणीगंज डीएसपी गणपति ठाकुर को गुप्त सूचना मिली थी कि टोल प्लाजा के पास जमीन के नीचे शराब की बड़ी खेप छुपाई गई है, जिसे जल्द ही खपाया जाना है। जिसके बाद डीएसपी ने वहां पहुंचकर खुदाई करवाई तो जमीन से बड़ी मात्रा में देसी और विदेशी शराब बरामद की गई है। शराब की ये ब्रांड काफी महंगी है, जिसमें बियर के कैन वाले बोतल भी शामिल हैं। ये शराब किसकी और लॉकडाउन के चलते इतनी भारी मात्रा में शराब कैसे आई, इस पर पुलिस जांच कर रही है। आपको बता दें कि सुपौल में तस्करों का एक बड़ा नेटवर्क है, जो मिलीभगत से हर महीने करोड़ों का कारोबार करता है। बंगाल की सीमा हो या नेपाल की सीमा, हर जगह से शराब की कालाबाजारी लगातार जारी है। न्यूज डेस्क।